अब मैं बस वेट कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर के लिए। हेलीकॉप्टर आने वाला है थोड़ी देर में, फिर निकलेंगे। लेकिन ठंड भाई साहब बेहिसाब है, 1 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम है। अच्छा हुआ यहाँ रात को रुकने का नहीं सोचा। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज फाइव फ्रॉम फाटा एंड इट इज फ्रीकिंग कोल्ड यार, फ्रीकिंग कोल्ड यार। मतलब 12 डिग्री टेम्परेचर और हवा चल रही है, लग ऐसा रहा है कि जैसे 5-6 डिग्री टेम्परेचर होगा। और अभी गाड़ी पे कोल्ड स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं जा रहा हूँ सनराइज देखने, अगर कहीं से सनराइज व्यू मिलता है सही तो जाऊँगा। एंड बहुत ठंड है यार, मतलब गाड़ी की आवाज़ चेंज हो गई है इंजन स्टार्ट करने के, बहुत ठंड है। एंड आई एम गिविंग इट अ कोल्ड स्टार्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स, गाड़ी का इंजन थोड़ा सही हो जाएगा, फिर चलते हैं आगे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फाटा। इट्स 5:55 AM फ्रॉम फाटा उत्तराखंड एंड टुडे इट इज 19th of October 2020। सो यार यहाँ का जो व्यू है ना, वैली है जैसे फाटा, तो एक सनराइज, एक प्रॉपर सनराइज तो नहीं होता है, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी गेट फ्रॉम फाटा। एंड यार ये एक, मैं शांत होता हूँ, आवाज़ सुनो, कैन यू हियर द बर्ड्स। मतलब सुकून है यार यहाँ पर, एक अलग सुकून है। एंड सामने की तरफ से, उधर से रिवर जा रही है, तो उसका भी एक शोर अलग है, मतलब प्लीजिंग प्लीजिंग सा शोर है यार। और यहाँ पे जो रात को नींद आती है ना, अमेजिंग। आपके घर में आपको नींद आ ही नहीं सकती यार, या तो आप भी कह लो कि ट्रैवल करके आदमी थक जाता है तो उसको अच्छी नींद आती है। और ऐसा ही कुछ हुआ कल, बहुत प्यारी नींद आई। एंड इट इज़ फाटा, ये पीछे एक छोटा सा विलेज है फाटा, जैसे मैंने कल रात को बताया था, दिस इज फाटा। यहाँ से वो व्यू इतना क्लियर और इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई थिंक आई शुड जस्ट मूव अ लिटिल क्लोजर। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं आगे से, थोड़ा साफ अगर व्यू मिल पाता है तो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। अगर 6 बजे उठने का फायदा होता है यार, देखो घर पर आप किसी भी टाइम उठो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कहीं घूमने आ रहे हो तो यार जरूर आप थोड़ा सा ना पहले उठने की कोशिश करो, अदरवाइज यू विल मिस समथिंग। निकल जाइए भैया, आप पहले निकल जाइए, कोई टेंशन नहीं। वैगनार भैया आप भी निकल जाइए, अगली वैगनार आप भी निकल जाइए, सब निकल जाइए, हम लास्ट में निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज इट इज द रूल ऑफ रूल, इट इज द रूल्स ऑफ रूल, यू शुड गिव वे टू द पीपल ऑन द माउंटेन्स, सो दिस इज द रूल। ओके नाउ वी विल मूव। यस, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज, ये देखो क्या मतलब रास्ता, तो यार मतलब केदारनाथ का ना टूटा ही हुआ है, क्योंकि हर बार बारिशों में यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उस वजह से रास्ता तो मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा है, रुद्रप्रयाग के बाद से रास्ता तो ख़राब ही है। मतलब कहीं कहीं पर रोड है और ज़्यादातर तो टूटा ही हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है लेकिन वो टूटता रहता है साथ साथ बरसातों में। ये जो व्यू है ना यार,
सूरज की जो पहली किरणें पड़ रही हैं यहाँ पर, ये व्यू मतलब सुकून देता है यार कि पहली लाइट पड़ रही है और माउंटेन्स चमक रहे हैं, पूरी रेंज, वो एक पूरी श्रृंखला है वो पूरी चमक रही है, उसकी पीक्स लग रहा है कि जैसे कोई ताज सा पहन लिया हो उसने। और रात को यहाँ पर इतना अंधेरा होता है ना कि मतलब कुछ दिखता नहीं है आगे यार, क्या है। और मज़ा आ गया यार यहाँ पर सनराइज़ देखकर भी मज़ा आ गया। फाटा आसपास ही हैं सारे हेलीपैड्स, पवन हंस का है और भी तीन चार हैं, वो सारे फाटा के आसपास ही हैं, एक दो किलोमीटर की रेंज में। तो यहाँ आप स्टे करिए और सुबह सुबह आप निकल सकते हैं अपने हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के लिए। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम होटल और अब निकलना है हमें हेलीपैड के लिए, तो चलते हैं फिर। यहाँ से अभी आगे 500 मीटर इधर फाटा है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे ये पवन हंस लिमिटेड का ऑफिस है। पवन हंस लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हेलीकॉप्टर सर्विस है फाटा से केदारनाथ के लिए, तो हमने इसी को बुक किया था। हमने तो ऑनलाइन बुक किया था लेकिन आप यहाँ आकर भी बुक कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन बुक करना है तो GMVN की साइट से या फिर पवन हंस लिमिटेड की साइट से आप बुक कर सकते हो। एंड यहाँ पर इनका ऑफिस है और ये मोस्ट ऑथेंटिक इसलिए है बिकॉज ये एक तो गवर्नमेंट के साथ है, ऊपर से इनका रूटीन चेकअप होता रहता है हर सॉर्टी के बाद इनके चॉपर्स का, तो सेफ है बाकियों से क्योंकि बाकी सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं। सामने यहाँ पर इनका ऑफिस है, आप यहाँ पे पता कर सकते हो आकर, अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो आप आकर भी बुक कर सकते हो। और ये फाटा से 500 मीटर पहले ही है, तो आप अगर फाटा चले जाओगे तो आपको लौट के आना पड़ेगा यहाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये इनका ऑफिस है एक तरीके से, यहाँ पर आपका वेट वगैरह चेक किया जाता है। वेट इसलिए चेक किया जाता है बिकॉज 80 kg तक ही परमिटेड है आपका पर टिकट, और अगर आपका 80 kg से ज़्यादा है तो 150 rupees पर kg एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है ओवरवेट की वजह से। एंड दिस इज़ द हेलीपैड, यहाँ पर हर सॉर्टी के बाद ऐसे ही चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है चॉपर को अच्छी तरीके से। आई जस्ट रीच हेयर एट बाबा केदारनाथ धाम, सो ये पीछे व्यू देखो। अभी मैं
पैड पे खड़ा हूँ बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर माई मैटरनल अंकल एंड आंट. मासी के लिए खड़ा हूँ और मामा के लिए खड़ा हूँ बिकॉज वो अनदर फ्लाइट में आएंगे. These are here, the गढ़वाल मंडल विकास निगम गेस्ट हाउसेस. ये जितना रेड कलर के हैं ना ये सारे. सांस चढ़ रही है भाई, यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है. लिटिल लिटिल सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए आ गए हैं बाबा केदारनाथ के यहाँ. सो फाइनली दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. जय भोले बाबा, जय महाकाल. दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, पूजा वगैरह भी कर ली है बहुत अच्छे से. और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ दिस प्लेस, ये जो जगह है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस ऑफ माई लाइफ एवर विजिटेड. आपदा के टाइम जो रास्ता यूज़ हुआ करता था उससे पहले ही ये वाला रास्ता यूज़ हुआ करता था. अब जो है यार रास्ता टूट गया, पूरा बह गया था ये आपदा में बाढ़ की वजह से. अब नया रास्ता बन रहा है, वो ऊपर से इस पहाड़ पे नया रास्ता बनाया जा रहा है. और अभी के लिए इस तरफ से यूज़ होता है, ये वाला पहाड़ यूज़ कर रहे हैं ट्रैकिंग के लिए. इट इज़ फ्रीकिंग कोल्ड हेयर. बहुत ठंडी हवा चल रही है और इस टाइम टेम्परेचर पता है क्या है? 1 degree टेम्परेचर दिस टाइम. और ये टेम्परेचर रात को -6 degree तक गिरेगा केदारनाथ में. अभी दिन है तो इतनी ठंड है, अगर रात में पता नहीं क्या होगा. टेम्परेचर देखो आप एक बार, दिस इज द टेम्परेचर राइट नाउ 1 degree. जी कैसा लग रहा है? हाथ को कि हालात देखो आप. ये हालात है हाथों के, ठीक है. ये 1 degree ठंड.
हाँ भाई मामा, मामा जी कैसे हालात है? बढ़िया बढ़िया। ठंड नहीं लग रही? बहुत बढ़िया ठंड लग रही है, अच्छा मजा आ रहा है। एक डिग्री मजे आ रहे हैं। एक डिग्री टेम्परेचर। अब ये हेलीकॉप्टर देखो कितनी देर में आता है, और नेक्स्ट फ्लाइट बोली हमारी नेक्स्ट सॉर्टी और प्रोबेबली लास्ट ही होगी, बिकॉज 5 तो बज गया, 5:30 लास्ट फ्लाइट होती है। हालत खराब है गाइस, केदारनाथ दर्शन अच्छे से हो गए और इट इज़ फ्रीकिंग कोल्ड ओवर हियर, बहुत ज़्यादा ठंड है। अब मैं बस वेट कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर के लिए, हेलीकॉप्टर आने वाला है थोड़ी देर में, फिर निकलेंगे। लेकिन ठंड भाई साहब बेहिसाब है, 1 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम है। अच्छा हुआ यहाँ रात को रुकने का नहीं सोचा, बिकॉज रात में -6 -7 तक टेम्परेचर जाने का वेदर फॉरकास्ट के थ्रू पता चल गया, तो नहीं रुकना भाई इतने में। हाथ ठिठुर रहे हैं, समझो सुन पड़े हुए हाथ बिल्कुल। 1 डिग्री टेम्परेचर। बस एक बार व्यू और चेक करा देता हूँ मैं। दिस इज़ द व्यू राइट, एंड दैट इज़ द सनसेट हैपनिंग देयर एट द बैक। चॉपर आ चुका है, मैं दिखाता रहूँगा।
हेलीकॉप्टर से उतर चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ कार पार्किंग की तरफ जहाँ पर कार पार्क की थी। इट वॉज अ वेरी ऑसम टाइम टू विज़िट केदारनाथ। केदारनाथ विज़िट करके काफ़ी अच्छा लगा, मतलब सुकून था यार, मज़ा आ गया। अब हमको जाना है, मैं कैसे दिखाऊँ, थोड़ा सा ये पैदल वॉक करके जाना है। और जाना कहाँ है, वहाँ जाना है पैदल वॉक करके अब। और बिकॉज हुआ क्या, जिस हेलीकॉप्टर कंपनी से हमने बुक किया था उस कंपनी के पास बुकिंग ज़्यादा हो गई तो उसने दूसरे हेलीकॉप्टर कंपनी को हमें सौंप दिया। GMVN की साइट से बुक किया था पवन हंस, सर्विस बहुत बेकार है। लड़के वहाँ पर उससे कहा तो उसने दूसरे में शिफ्ट किया, वरना कह रहा था सर कल जाना अब यहीं रुको। ऊपर टेम्परेचर पता कितना है, टेम्परेचर ऊपर है -6 या -7 डिग्री आज, और अभी जब हम ऊपर थे तो 1 डिग्री था टेम्परेचर। व्यू ही व्यू है भाई पहाड़ पे, और क्या है, व्यू है, सिर्फ व्यू है पहाड़ पे। लेट मी जस्ट शो यू वंस मोर द सनसेट व्यू। देखो क्या मस्त व्यू है यार ये पहाड़ पे सनसेट, मज़ा आ गया। केदारनाथ दर्शन आज अच्छे से हो गए, अब आगे का प्लान हमारा बद्रीनाथ का है। तो हमने सोचा कि आज जाकर चौपटा में रुकते हैं। चौपटा तुंगनाथ जो है वो केदारनाथ से बद्रीनाथ के रास्ते में ही पड़ता है, तो इस चीज़ से दो फायदे होंगे, एक तो हमारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा एंड दूसरी चीज़ हम सुबह चौपटा को एक्सप्लोर कर पाएंगे। एटलीस्ट अगर एक सनराइज़ अच्छा सा वहाँ से अगर मिल जाए व्यू तो वो बेहतर होगा, जब बल्कि केदारनाथ में ही रुकने के। तो ये अब वो रोड है, चौपटा की ही रोड है, और इसके साइड में आप लीव्स देख सकते हो, जैसे कि ऑटम है, ऑटम चल रहा है ये, तो इसमें रेड कलर की लीव्स हैं रोड के किनारे, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है नज़ारा भी रात को। और अब चौपटा चलकर स्टे करेंगे, बाकी जो होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। तो ये रोड है ऊखी मठ से चौपटा के लिए जब जाते हैं, तो रात को तो ये रोड बहुत ही प्यारी लग रही है, रेड लीव्स गिरी हुई हैं रोड के दोनों तरफ। तो अब पहुंच चुके हैं हम चौपटा, चौपटा तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक का जो बेस है, और यही वो गेट है जिसके थ्रू आपको ऊपर जाना होता है ट्रैक के लिए। सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ तुंगनाथ चंद्रशिला, और आज रात का स्टे हम यहीं करेंगे। यहाँ पर होटल्स हैं और रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, तो गाड़ी नीचे पार्क कर दी है और अब जा रहे हैं अपने होटल के लिए। तो अब आगे बद्रीनाथ की यात्रा और पूरा ट्रैवल सुबह वाला जो होगा पार्ट वो अगली वीडियो में दिखाऊंगा। दिस इज़ चौपटा, ये रोड साइड ही बसा हुआ है। तो अब आगे का आपको अगली वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, और साइनिंग ऑफ, बाय बाय।